आइए नजर डालते झारखंड की खबर पर। बीते 17 मार्च को सरायकेला खरसावा जिला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 13 दिन बाद जमशेदपुर में तेंदुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि तेंदुए को जमशेदपुर के कदम स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में देखा गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पार्क को बंद कर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। हालांकि तेंदुए के होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। खबर के मुताबिक तेंदुआ को ढूंढने पश्चिम बंगाल के एक्सपर्ट और पलामू टाइगर रिजर्व फोर्स की टीम सरायकेला के आदित्यपुर और गमरिया इलाकों में खाक चाड़ने के बाद वापस लौट चुकी है। अब तेंदुओं के जमशेदपुर में नजर आने की सूचना के बाद शहर में सनसनी फैल गई है। बायोडायवर्सिटी पार्क है जो यहाँ पर लोगों को वॉकिंग करने के लिए यहाँ जगह बनाया गया है और यहाँ पर कल का शाम तकरीबन 6-7 बजे का ये मैसेज था कि इस तरह का मूवमेंट देखा गया और इस मूवमेंट को देखने के बाद में संभावित जहाँ विभाग है वहाँ सूचित किया गया और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। नहीं जो गार्ड ने आपको क्या सूचना क्या दिया है? गार्ड से मेरा पहले फिजिकली फिलअप नहीं हुआ है, उसे अभी बुलाया गया है और उसके बाद उसे जांच पड़ताल की। तो गार्ड ने आपको क्या बताया कि तेंदुआ देखा गया है? हाँ, हमारे इंचार्ज जो यहाँ के इंचार्ज है उनको उसने सूचित किया व्हाट्सएप के द्वारा। अभी पार्क बंद है पूरी तरह से? जी अभी तक। फिलहाल इस खबर में इतना ही। झारखंड की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GPN24 पर।